कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चल कर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी शरद पे चल के देख लेना। नमस्कार दोस्तों, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के हमले में हरियाणा के हिसार के हांसी का निशांत मलिक शहीद हो गया है। तीन बहनों का इकलौता भाई 21 वर्षीय निशांत मलिक करीब 2 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। निशांत के पिता जयबीर मलिक भी कारगिल युद्ध में लड़ चुके हैं, उनके शरीर पर भी गोलियों के निशान हैं। पिता जयबीर मलिक ने बताया कि उन्हें दोपहर को बेटे के शहीद होने की सूचना मिली। निशांत अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए निकले तो पहले से ही घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिनमें भारतीय सेना के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। शहीद के पिता ने बताया कि बेटा करीब 2 साल पहले आर्मी में भर्ती हुआ था। 18 जुलाई को वह 45 दिनों की छुट्टियां काटकर वापस आर्मी कैंप गया था। निशांत ने अभी BA फाइनल ईयर की परीक्षा दी थी। बुधवार शाम को बेटे ने वीडियो कॉल की थी। गुरुवार सुबह उसकी बेटी ने निशांत को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद दोबारा फ़ोन किया, तब भी उसने रिसीव नहीं किया। उस समय वह कैंटीन में सामान लेने के लिए जा रखा था। पिता ने भावुक होते हुए बताया कि वह भी उसे पता चला कि उसका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। जयबीर मलिक ने बताया कि कारगिल युद्ध में गोली लगने पर उसे सेना से सम्मानित किया गया था। बेटी की भी इच्छा थी कि उसे भी सेना में सम्मान मिले। जयबीर मलिक ने बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा था। बड़ी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बेटी की शादी दिसंबर में होने वाली थी। निशांत मलिक अपनी बहन की शादी में दिसंबर में घर आने वाले थे। जयबीर मलिक ने कहा कि अपने बेटे की शहादत पर उसे गर्व है। निशांत की शहादत की सूचना मिलने पर रक्षा दिन के दिन ही पूरा क्षेत्र मातम में बदल गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी निशांत मलिक जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहाँ चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।